सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, द फ्रंट पर आपका स्वागत है। दो विधानसभा चुनावों के नतीजे आए, महाराष्ट्र और हरियाणा, दोनों में बीजेपी की सरकार थी राज्यों में, और अब दोनों राज्यों में जनादेश है वो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए कह तो रहा है लेकिन बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। बीजेपी जो उम्मीद कर रही थी उस उम्मीद पर पानी फिरा है इन दोनों राज्यों में। जनादेश के लिहाज से सरकार बीजेपी बनाएगी लेकिन उसके लिए उसको जोड़ जुगाड़ तिकड़म करना पड़ेगा, महाराष्ट्र में शिवसेना को मनाना पड़ेगा और हरियाणा में उसको अपने 47 का आंकड़ा जो पिछली बार था उससे 7 सीटें कम मिली हैं और 46 जो मैजिक फिगर होता है, बहुमत का आंकड़ा होता है, उससे 6 सीटें कम हैं। अब इसके लिए विकल्प उसके पास दो है, या तो जो निर्दलीय हैं अन्य हैं उनमें से आप 6 का जुगाड़ कर लें, या फिर JJP जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है उसके साथ आप हाथ मिला लें। अब बीजेपी सरकार बनाएगी हरियाणा में तो कैसे बनाएगी, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके सिंह साहब और अरविंद जी। आपको इस जनादेश से क्या संदेश मिलता है और सरकार बनाने की संभावना में कहाँ आसान होगा बीजेपी के लिए, JJP या फिर निर्दलीय? नहीं देखिए, अगर JJP आ जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं है क्योंकि सीधे बन जाएगा। पर जो वर्डिक्ट मिला ये फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट है। मेरी मुराद ये है इससे कि अगर कोई पार्टी आपके साथ आती है तो कल वो मुंह उठा के चली भी जा सकती है, उसके मन का नहीं हुआ, वो जो चाहती है वो नहीं करने दिया आपने, बहुत कुछ हो सकता है उसमें पेच। तो आपको करना क्या चाहिए, बेस्ट कोर्स होता है कि अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं आते हैं, तो उनको आप इस जो भी आप तन मन धन जैसे भी करें, मेरा कहने का मतलब है कि आप जैसे भी चाहे उनको इस बात के लिए भी राजी कर लें कि समर्थन ही नहीं करेंगे वो BJP में अपने को शामिल भी कर लेंगे। पहला तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे कि आपने कहा कि दुष्यंत की पार्टी मर्ज कर जाए, अब दुष्यंत के लिए ये $1 million क्वेश्चन जो आदित्य के लिए था वही दुष्यंत के लिए है कि दुष्यंत का करियर अभी बहुत लंबा पड़ा हुआ है। आप BJP के साथ जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि BJP जिस भी LI के साथ होती है आप 10 साल बाद देखेंगे कि LI वो शेर से बकरी बन जाता है और BJP वहाँ पे जो आगाज करती है वो बकरी से शेर बन चुकी होती है। ये एक्सपेंशन का जो मादा BJP का है, सर्वसमाहन का, सर्व में मुस्लिम छोड़ के ऑफकोर्स, ये गजब का है। लिहाजा अब LIs ये डरने लगी हैं कि BJP के साथ अगर हम आए तो हम हजम कर लिए जाएंगे। शिवसेना का आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, किस तरह सिमटती जा रही है। आपने बाकी जगह देखा होगा, अगर ये समझौता बिहार में ना हुआ होता, नीतीश अलग लड़ते तो शायद नियति कुछ। दुष्यंत के लिए एक अच्छी बात तो है ना कि 10 महीने की पार्टी 10 विधायकों को लेकर के आ गई है और सत्ता में आ सकते हैं वो। आपका सवाल वैलिड होगा, बिल्कुल सही है कि ये वैलिड सवाल है, लेकिन तब फिर दुष्यंत ये मान चलेंगे कि मंत्री तो बन जाएंगे, अच्छा ओहदा भी मिल जाएगा, मंत्रालय भी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन मियाद कितने दिन रहेगी? अगर अगले 50 साल का करियर देखेंगे तो BJP के साथ नहीं आएंगे, लेकिन अगर तत्काल देखेंगे तो ठीक है, आप 5 महीने यंग लड़के हैं, आपको बहुत मजा आएगा। अरविंद जी, दो चीजें हैं। कहा यह जाता है कि जो हरियाणा का जनादेश है वो जाटों के नाराज होने के चलते BJP को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जाट कम्युनिटी BJP से अलग हुई है, उसने भूपेंद्र हुड्डा के साथ या फिर दुष्यंत चौटाला के साथ अपने आप को खड़ा किया है और बताने की कोशिश की है BJP को कि अगर आप जाटों को हाशिए पर डाल के सोचते हैं कि सत्ता पालेंगे तो ये मुश्किल रास्ता आपके लिए है। और आज जो 70 पार अब की बार वो BJP के लिए सरकार बनाने के लाले पड़ गए हैं, जो सिंह साहब कह रहे हैं कि दुष्यंत के लिए BJP के साथ जाना दुष्यंत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, आपको क्या लगता है? दो चीज़ें हैं असल में, कांग्रेस और दुष्यंत के वोट बराबर बराबर हैं और कुल मिला के मेरे ख्याल ये 54-55% वोट होते हैं, तो मैंडेट तो BJP के खिलाफ है क्योंकि जितना वोट उनको लोकसभा में आया था और जितना पिछली बार आया था उससे बहुत नीचे गए हैं, और जो भी रिवेल भी जीत के अगर आए हैं उनके
तो रिवेल ही हैं और वो खट्टर एक इशू थे वहाँ लगातार, तो मैंडेट तो उनके खिलाफ है। तो अब सरकार बनाने की कोशिश अगर खट्टर के नाम पे की जा रही है या की जाएगी, तो मुझे लगता है वो मैंडेट के हिसाब से नहीं होगा। तो अब सवाल ये है, लेकिन बीजेपी इतना आने के बाद, सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद, मैदान छोड़ के कम से कम मोदी और अमित शाह की बीजेपी यहाँ से मैदान छोड़ने वाली नहीं है। वो निश्चित रूप से इसकी कोशिश करेंगे कि सरकार बनाए। निर्दलियों को साथ ले आना तो शायद आसान होगा, क्योंकि जोड़ तोड़ और खुला हाथ है। बीजेपी के बागियों की तादाद भी उसमें है, उसमें है और नहीं, और खुले हाथ से जहाँ, तो बागियों क्या कांग्रेस पार्टी को लेके और दूसरे को लेके सरकार बना लिया, तो यहाँ तो बागी वाला मामला है। लेकिन असली चीज़ ये है कि टिकाऊ सरकार बनाने के लिए दुष्यंत चौटाला का साथ होना जरूरी है, और वो साथ अगर आते हैं तो कांग्रेस के लिए भी सरकार बनाने का या क्लेम करने का एक रास्ता हो जाएगा, या कांग्रेस उनको आगे करके सरकार बनवा सकती है। तो दुष्यंत चौटाला के दोनों हाथ में अभी आज की तारीख में लड्डू हैं। असली चीज़ ये है, जो बात हम लोग उस समय भी कर रहे थे, कि सबसे मजबूत जाति जो यहाँ करीब 25% से 28% उसका दावा कहा जाता है, तो अगर इतने मजबूत वो सोशली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली हैं, जिन्होंने बीजेपी जैसे महाबली पार्टी को और अमित शाह और नरेंद्र मोदी को झुका दिया, तो वो आगे की पॉलिटिक्स में सेकेंडरी रोल लेना नहीं चाहेंगे, और अपने लिए अगर वो गुंजाइश चाहते हैं तो उनको कोई ना कोई अलग लाइन लेके चलना होगा। अब हुडा के साथ जाने में उनकी दिक्कत ये है कि एक ही बेस पे दोनों पॉलिटिक्स करेंगे, तो उसमें हुडा अगर एक नंबर होते हैं तो फिर ये दो नंबर की पॉलिटिक्स करेंगे, तो इनको दिक्कत होगी। बीजेपी के साथ जाने में ये है कि कहीं ना कहीं सिर्फ जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा उसी का मामला नहीं है, सोशल ग्रुप्स में भी जो ग्रुप्स आपके खिलाफ हैं आप उनके साथ मिलकर बना रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अरविंद जी कह रहे हैं कि दरअसल दुष्यंत के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है, कि बीजेपी के खिलाफ जाट नाराज था और उसने अपने आप को लामबंद किया या तो कांग्रेस के साथ या जेजेपी के साथ। अब आप बीजेपी के साथ जाते हैं तो उसको नाराज़ करेंगे, क्योंकि उसने आपको वोट ही दिया बीजेपी खिलाफ में। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कांग्रेस के साथ जाते हैं तो भूपेंद्र हुडा जाटों के बड़े नेता हैं और आप दूसरे नंबर के नेता माने जाएंगे, तो वहाँ से भी आपकी राजनीति को नुकसान पहुँचता है। लेकिन जाटों ने हरियाणा में लगभग 30% के आसपास जाट हैं और 54 ऐसी सीटें हैं जहां 40% के आसपास जाट वोटर है, यानी कि इन 54 सीटों पर वो बहुत बड़ी भूमिका में है नतीजा तय करने के लिहाज से। अब जब सरकार बनने लगी है, सरकार बनने की सूरत है, उसमें बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि वो कहां से सरकार बना ले। बीजेपी का जो सबसे बड़ा सेटबैक है वो सुभाष बराला उनके अध्यक्ष हैं, वो हार गए। कैप्टन अभिमन्यु उनके बड़े मंत्री हार गए, रामविलास शर्मा हार गए, तो उनके 6-7 मंत्री हार गए, उनका अध्यक्ष हार गया है। ऐसे में बहुत कम नेता बचे हैं जिनको आगे ला करके बीजेपी कहे कि नहीं, यह अगर मंत्री बदलने के, मैं सिर्फ अब वहां आता हूं कि लीडरशिप बदलना एक ऑप्शन है जरूर। हाँ, अब वहां बीजेपी मैं वहीं अब वो चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि बीजेपी के लिए जो दुष्यंत चौटाला की स्थिति है कि वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो जाट नाराज होते हैं, और अगर भूपेंद्र हुडा के साथ आते हैं तो फिर वो दूसरे नंबर के नेता कहे जाएंगे जाटों के। बीजेपी अगर चेहरा बदल देती है, मनोहर लाल खट्टर की जगह वो किसी जाट नेता को लेकर के आती है, तो फिर जो गैर जाट हैं जो बीजेपी के लामबंद हुए वो नाराज हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति को जो गैर जाट है मनोहर लाल खट्टर की जगह लाती है, तो वो व्यक्ति उतना मजबूत नहीं होगा जितने नेता वहां दिख रहे हैं कि वो बीजेपी कमान को लेकर के आगे बढ़ पाए। आपकी राय क्या दिख रही है सर? नहीं देखिए, आप ध्यान कीजिए, जो सोशल इंजीनियरिंग का डॉक्ट्रिन बीजेपी ने दिया था उसके बेसिक में क्या था? पहले तो ये है कि हिंदू कंसोलिडेशन, ये तो शुरू से रहा ही है, क्योंकि FPTP सिस्टम में मुसलमान 14.5% देश में है, उत्तर प्रदेश में 18.5 है, बिहार में 16.5 है। इससे सरकारें नहीं बनती है अपने बूते पे। क्या बीजेपी हरियाणा में अपना चेहरा बदल करके मनोहर लाल खट्टर की जगह किसी और को ला करके और सरकार बनाने का विकल्प रख सकती है? नहीं, वही मैं उसी को बता रहा हूँ। सोशल इंजीनियरिंग में जो डोमिनेंट कास्ट है जो कि बार्गेन करती थी, हम 30% से कुछ कम है जाट, लेकिन ये पॉकेट्स में कंसंट्रेटेड है, तो जब औसत आप निकालते हैं तो 30% पड़ता है, कहीं वो 40% भी है, 50% भी है।
तो लिहाजा सीटों में वो होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। लिहाजा अगर आपने खट्टर का प्रयोग किया तो सोशल इंजीनियरिंग का वो एक बड़ा वो था जिसको कि आपने कि नॉन जाट हमारे साथ आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया है। वरना ही तो बहुत सिंपल सा था कि भाई जाट के चौधरापन से दबंगई से काफ़ी बड़ा वर्ग नाराज था। आपको याद होगा जिस तरह एजिटेशन हुआ उसको लेके, उसके बाद जो अन्य जाति के लोग थे वो नाराज हुए, नॉन जाट्स नाराज हुए। तो वो कंसोलिडेशन बीजेपी नहीं कर पाई है, तो इसलिए वो फेल हो गया, अलग बात है। लेकिन आज भी उस मूल सिद्धांत से नहीं हटेगी कि हम जाट को इसलिए ले आए कि हमें जाट, क्योंकि तब आपको नॉन जाट्स के वोट, क्योंकि वो बार्गेन करेगा, दुष्यंत भी आएंगे तो बार्गेन करेंगे। अब दुष्यंत को ये सोचना पड़ेगा कि क्या अगर वो जाट आरक्षण या इस तरह की कोई भी चीज़ जाट के लिए देती है तो बाकी वर्ग नाराज नहीं होगा, क्या बीजेपी अफोर्ड कर सकती है, पहला। और अगर देती है, इसके बावजूद देती है, तो वो दुष्यंत को क्रेडिट ले जाने देगी क्या, क्या तो बाकी जगह ले जाने दे रही है? तो इसलिए जो मिलियन डॉलर दुष्यंत के लिए जो ट्रैप है, खाई और कुएं का जो है, वो इसलिए है कि अगर आप बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी अपना विस्तारवादी स्वभाव नहीं छोड़ेगी और वो जाट को अपनी तरफ करना चाहेगी अपने पुते पे। और अगर नहीं करती है तो नॉन जाट को अगर रखेगी तो ऐसे ही आपके लिए बहुत सीमित स्कोप हो जाएगा। तो लिहाजा कहीं ना कहीं से दुष्यंत को कांग्रेस के साथ ही आना पड़ेगा, हाराकिरी होगी अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं शैशवावस्था में। ये थोड़ा लेकिन मुश्किल है आंकड़ा जो दिख रहा है कि 30 सीटें कांग्रेस के पास, 10 दुष्यंत के पास, यानी कि जो निर्दलीय हैं सब के सब अगर आप अपने आप में मिला लें तब जा करके सरकार बनती है गैर बीजेपी। सवाल दोनों हैं कि क्या यह संभावना है कि दुष्यंत को आगे करके कांग्रेस समर्थन दे करके बाकी लोगों के हमने चलो कुर्बानी दी है तो आप लोग भी आकर के थोड़ा समर्थन कीजिए, बीजेपी को हम सत्ता से बाहर रखें। दूसरा कि दुष्यंत की खातिर बीजेपी अपना चेहरा बदल के किसी जाट को ला करके आगे और कहे कि अब आप सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप तो जाट नेता हैं, जाट चाहते हैं, जाटों के हक की बात करते हैं, चलिए हमने आपकी बात मान ली। यह दोनों विकल्प में से कोई विकल्प आपको दिखता है क्या? देखिए ज़्यादा स्वाभाविक यही लगता है कि दुष्यंत कांग्रेस की तरफ जाएं, क्योंकि एक वोट है, एक प्लैंक है, तो वो एक है, लेकिन नंबर तब भी वहीं पहुँचता है जहाँ बीजेपी अकेले खड़ी है, तो इसलिए फिर वहाँ निर्दलीय के जोड़ तोड़ करना होगा। तो ये गणित आसान नहीं है अभी हरियाणा में, और मैं कहूँगा कि ये फ्रैक्चर मैंडेट फिर आया राम गया राम टाइप चीज़ें करा सकता है जो हरियाणा की पॉलिटिक्स के लिए पहले एक दौर वैसा आके जा चुका है। लेकिन इसमें गुंजाइश तब भी यही है दुष्यंत के लिए कि उनको इसमें होशियारी से अगर वो अपना दांव चलते हैं और जो मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई है कि 27% करीब 26% वोटों लेके आ गए, 10 सीट लेके आ गए, और 10 महीने की पार्टी है जिसकी लोकसभा में ऐसी हालत हुई है, और परिवार का झगड़ा इतना अभी तक चल रहा था, अब इस चुनाव में जाके वो तय हुआ है, तो उसके बाद वो क्या पॉलिटिक्स करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये देखने की चीज़ होगी। लेकिन मिलाना होगा अगर सरकार बनाने के लिए तो उनका कांग्रेस की तरफ जाना नेचुरल लगेगा कंपेरेटिवली बीजेपी की तरफ जाने का। लेकिन ऑप्शन दोनों हैं और उनको आगे करके दोनों एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर सकते हैं कि उनको आगे कर दें, उनको सपोर्ट कर दें, कांग्रेस भी कर सकती है ये काम, ये बीजेपी भी कर सकती है। तो बहुत छोटी पार्टी होके या नई पार्टी होके भी या कम उम्र का नेता होके भी दुष्यंत चौटाला के लिए अभी परीक्षा की घड़ी है और लोगों की तुलना में ज़्यादा। बीजेपी के लिए उनको आगे करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पॉलिटिक्स जिस तरह से चलती रही है वो इस तरह का खेल करने में उनको अभी भी उनको अपना आदमी चाहिए, अपना यशमैन चाहिए, उनको बीजेपी के अंदर ही यशमैन चाहिए, तो बीजेपी के बाहर वाला यशमैन तो निश्चित रूप से चाहिए। जो बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन करेगी बीजेपी कर सकती है, ये दांव बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है कि बीजेपी किसी नए आदमी को खड़ा करे क्योंकि मैंडेट निश्चित रूप से खट्टर के खिलाफ है। तो खट्टर को आगे करने पे वो मुश्किलें सारी जुटी रहेंगी, नया नाम करने से उसको सुविधा होगी ज़रूर, लेकिन यसमैन चाहिए और यसमैन के साथ ये मेल होता नहीं दिखाई दे रहा है जी। तो एक चीज़ इसमें और भी है, दुष्यंत की पार्टी के सर्वाइवल के लिए, 5 साल सर्वाइवल के लिए ये अपरिहार्य एक फैक्टर है
कि वो सत्ता में रहें, क्योंकि आप जानते हैं मायावती की 11 एमएलए थे राजस्थान में, सब एक एक करके टूट गए। तो दुष्यंत को अगर अपने 10 लोगों को इंटैक्ट रखना है, जिसमें कभी भी अगर 6 बाहर आ जाते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं करेगा, लिहाजा उनको सत्ता में तो रहना ही है। अब ये जो आप जो अरविंद जी कह रहे हैं, ये मुश्किल है कि कांग्रेस गवर्नमेंट बना पाए। फिर दूसरा कारण ये है, गवर्नर को जो बोमई जजमेंट, पोस्ट बोमई जजमेंट, जो सिचुएशन जजमेंट में है, उसमें बड़ा क्लियरली लेड डाउन है गवर्नर के लिए कि गवर्नर कैसे कैसे क्रम में बुलाएगा। उसमें पहला तो ये है कि कोएलिशन जो प्री पोल अगर अलायंस है तो सीधे उसको बुला लेना है। पहले तो अगर मेजोरिटी में कोई पार्टी है तो उसको बुलाना ही बुलाना है, यहाँ पे वो केस नहीं है। तो प्री पोल अलायंस अगर है तो बुलाएं, यहाँ पे वो भी नहीं है। अब जैसे ही इसके बाद की स्थिति आती है तो पहला है लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, इसको आप इनवाइट करेंगे। जाहिर है बीजेपी को इनवाइट करें, गवर्नर भी अपना ही है वैसे तो, अगर डिस्क्रिप्शन की बात आए, क्योंकि आपने गोवा में देखा कि वो सिद्धांत बदल गया, कर्नाटक में कुछ और हो गया, तो गवर्नर अपने मन की करते हैं इसमें। और डिस्क्रिप्शन सच पूछिए तो इसमें है भी, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके लिए एड एंड एडवाइस करने के लिए नहीं होता, तो डिस्क्रिप्शन गवर्नर का है और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, तो डिस्क्रिप्शन है तो फिर खेल भी है। तो यहाँ पे बीजेपी को तो बुलाया जाएगा ही, लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है लिहाजा बुलाया जाएगा। जैसे ही बुलाया तो चौटाला के लिए ये एक मजबूरी होगी कि हम उसको सपोर्ट कर दें, क्योंकि नहीं करेगी तो पार्टी आज नहीं, 3 महीने बाद 6 महीने बाद। ये दिलचस्प है कि बीजेपी के लिए अपनी सरकार बनाना जरूरी है, और अरविंद जी और इनके सिंह साहब दोनों मान रहे हैं कि बीजेपी किसी और को समर्थन देकर के सरकार बनाएगी बीजेपी की फितरत के खिलाफ है। अमित शाह नरेंद्र मोदी अपनी सरकार वहां चाहेंगे, बीजेपी की चाहेंगे, यस मैन अपना चाहेंगे, उसके लिए या तो निर्दलियों को पूरी तरह से मिलाना पड़े तो, या फिर दुष्यंत चौटाला का समर्थन लेना पड़े तो। अब सरकार बनाने का जो समीकरण है या उसमें दुष्यंत चौटाला को कितना कितनी जगह दी जाती है, उनकी कितनी मानी जाती है, यह उस बार्गेनिंग पर निर्भर करता है जो बीजेपी आला कमान दुष्यंत चौटाला के बीच होगी, या फिर बीजेपी आला कमान निर्दलियों को लेकर के अपना एक नया विकल्प सरकार बनाने का तलाश लेता है। यह दोनों चीज़ें हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रही है, दोनों जगह वो सरकार बनाएगी, लेकिन दोनों जगह सरकार बनाने के लिए उसको लोहे के चने चबाने हैं, रास्ता बहुत मुश्किल है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारी आपकी मुलाकात फिर कल होगी। नमस्कार।